हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार एक बार फिर आपका QES टेक्निकल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी एट QES। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 28 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर भी कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि आज फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस रेड बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया वो ये था कि मिस यूनिवर्स 2017 कौन थी। तो मिस यूनिवर्स 2017 जो है वो डेमी ले नेल पीटर्स थी। कौन थी? डेमी ले नेल पीटर्स, ठीक है। अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में पूछा गया तो वो टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का तीसरा युद्ध जो था वो किसके बीच हुआ था? वो अब्दाली और मराठास के बीच हुआ था, अब्दाली और मराठा, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। NDRF की फुल फॉर्म पूछी गई तो NDRF की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रिकवरी सपोर्ट, नेशनल डिजास्टर रिकवरी सपोर्ट, ठीक है। STD की फुल फॉर्म पूछी गई तो STD की जो फुल फॉर्म होती है वो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होती है, ठीक है। उसी प्रकार ISD की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो ISD की जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग होती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया लिंकन इन द बार्डो पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो जॉर्ज सॉन्डर्स हैं। कौन है? जॉर्ज सॉन्डर्स। इनको मैन बुकर प्राइज 2017 से भी अवार्ड दिया गया था, मैन बुकर प्राइज 2017 का अवार्ड इनको दिया गया था, ठीक है। और ये जो पुस्तक है दोस्तों वो अब्राहम लिंकन और उनके 11 साल के बेटे की डेथ के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। किसने लिखी है? जॉर्ज सॉन्डर्स ने लिखी है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया को ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2017 किसने जीता है? तो वो रोजर फेडरर ने जीता है और 2018 में भी रोजर फेडरर ने ही जीता है दोस्तों। अगला सवाल पूछा गया कि वेस्ट बंगाल कितने इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है, ठीक है। ये कल भी पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वो तीन बॉर्डर को टच करता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। अब कुछ साइंस के प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। पूछा गया संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के बारे में पूछा गया। तो तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है, ठीक है। उसी तरह किडनी या वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल पूछा गया कि भ्रूण के विकास के समय यूट्रस किसके कारण स्ट्रेच करती है? तो वो रिलैक्शन के कारण स्ट्रेच करती है, ठीक है। साइंस में भी एसटीडी के फुल फॉर्म पूछा गया तो एसटीडी का जो फुल फॉर्म है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो एड्स जो है वो HIV के द्वारा फैलता है। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। अब दूसरा आंसर हम रेट्रोवायरस भी लगा सकते हैं यदि ऑप्शन में दिया हो। अब आपके लिए चाहे रेट्रोवायरस दिया हो तो आप रेट्रोवायरस लगा सकते हैं और HIV दिया हो तो HIV भी लगा सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि मॉडर्न आवर्त सारणी में ग्रुप और पीरियड कितने होते हैं? तो ग्रुप जो होते हैं वो 18 होते हैं और पीरियड जो होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया कि आवर्त सारणी में 16 यानी 16 एटॉमिक नंबर किसके लिए है? तो वो सल्फर के लिए होता है, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया कि आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाते समय विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो बढ़ती है। जब आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाया जाता है तो विद्युत ऋणात्मकता दोस्तों बढ़ती है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो वो घटेगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि शरीर का कौन सा अंग रक्त को साफ करता है? तो वो फेफड़े, फेफड़े जो है वो रक्त को साफ करता है, ठीक है। यदि सवाल ये पूछा जाए कि शरीर का कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है तो उसका आंसर हम किडनी देंगे। क्या देंगे? किडनी, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया कि प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो वो बर्जीलियस ने की थी। कब की थी? 1838 में की थी, ठीक है। चलिए अगले सवाल है कि पौधों को हार्ड बनाने के लिए परमानेंट टिश्यू जो है वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं स्क्लेरेन काइमा। कौन से होते हैं? स्क्लेरेन काइमा, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया
कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वो 46 होती है। जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया कि जंतु जगत में सबसे अधिक जंतुओं की संख्या किस में होती है, तो वो ऑर्थ्रोपोडा में होती है, ऑर्थ्रोपोडा में होती है, और दूसरे नंबर पर मोलस्का होता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि ई डी की बेटी है, सी डी का विवाह, सी और डी विवाहित है, सी पिता है ए के, तो बताइए ए ई से कैसे संबंधित है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि ई जो है वो बेटी है किसकी, ई जो है वो बेटी है किसकी, डी की। ठीक है, और सी और डी वो विवाहित हैं। ठीक है, और सी पिता हैं किसके, ए के। तो पूछा जा रहा है कि ए जो है वो ई से कैसे संबंधित है। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, ये दोनों इनके बच्चे हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों या तो भाई भाई होंगे या तो भाई बहन होंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जेंडर हमें पता नहीं है, तो या तो हम आंसर लगाएंगे कि कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है, कि नॉट डिटरमाइंड। ठीक है, या फिर ऑप्शन में अगर ये दिया है कि ब्रदर, ठीक है, और सिस्टर, तो हम उसे लगा देंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट के बारे में। तो सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, ये पूछा गया। तो माइका होता है और अभ्रक होता है, तो जो भी आपके ऑप्शन में हो आप लगा सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि कौन सा तत्व धातु और अधातु की तरह बिहेव करता है, तो वो हाइड्रोजन होता है जो धातु और अधातु की तरह बिहेव करता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा तत्व नॉन मेटल है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं गैलियम, जर्मेनियम, क्लोरीन और स्कैंडियम, तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया कि बल्ब में तंतु किसका होता है, तो वो टंगस्टन का होता है। ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि आवर्त सारणी में लेंथेनियम किस ग्रुप में आता है, तो वो तीसरे ग्रुप में आता है, और अगर पूछा था किस पीरियड में आता है तो वो सिक्स्थ पीरियड में आता है, छठे पीरियड में आता है। ठीक है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक फॉर्मूला पूछा गया, तो वो है KAL SO4 twice। ठीक है, ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पूछा गया, तो वो पायरीडॉक्सिन होता है, क्या होता है, पायरीडॉक्सिन। अगला सवाल है कि भारतीय महिला क्रिकेटर जिसने अभी हाल में 6000 रन पूरे किए हैं वो कौन है, वो मिथाली राज है। कौन है, मिथाली राज। अगला सवाल पूछा गया यूरोपियन यूनियन की करेंसी क्या होती है, तो वो यूरो होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि RBI के गवर्नर के बारे में, तो वो हमें सभी को पता है कि वो उर्जित पटेल हैं। ठीक है, इंदिरा 2017 किस देश के साथ होती है, तो इंदिरा 2017 जो है वो रशिया के साथ होती है, रूस के साथ होती है। ठीक है, ये एक सम्मिलित जो है सैन्य अभ्यास होता है इंदिरा, ठीक है, जो कि रशिया और इंडिया दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है ना, अगला सवाल पूछा गया पद्मावत मूवी जो है उसके डायरेक्टर कौन है, तो उसके डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली जी। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया कि वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो छठा स्थान है दोस्तों। ठीक, अगला सवाल पूछा गया कि गोवा के CM किस पार्टी से हैं, तो गोवा के CM जो है वो BJP से हैं, और CM कौन है, मनोहर पर्रिकर हैं। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया कि स्नूकर में पद्म विभूषण अवार्ड 2017 किसको मिला है, वो पंकज आडवाणी को मिला है, पंकज आडवाणी। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया कि भारत की एनवायरमेंट की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो दिया मिर्जा है। कौन है, दिया मिर्जा, किसकी, एनवायरमेंट की ब्रांड एम्बेसडर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि वन्य जीवन संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है तनुश्री पारीक। कौन है, तनुश्री पारीक। वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, मेनका गांधी। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया कि गोवर्धन योजना किस राज्य से संबंधित है, तो वो हरियाणा किससे संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया कि दुर्गा पूजा किस राज्य से संबंधित है, वो वेस्ट बंगाल से, वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है दुर्गा पूजा। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। अगला सवाल पूछा गया कि अंडर 12 वर्ल्ड चैंपियन इन चेस, यानी चेस का अंडर 12 वर्ल्ड चैंपियन कौन है, वो वैलेंटिना है। कौन है, वैलेंटिना। अगला सवाल पूछा गया कि तमिलनाडु में हाल ही में शिव मूर्ति का उद्घाटन किसने किया, वो PM मोदी जी ने किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2017 कहां पर हुआ, वो मुंबई में हुआ। ठीक है, ब्राजील की करेंसी पूछी गई, वो रियाल होती है दोस्तों। ब्राजील की करेंसी कौन सी होती है, रियाल होती है। सूचना मंत्री के बारे में पूछा गया, तो वो रविशंकर प्रसाद हैं। कौन है, रविशंकर प्रसाद। इंदिरा गांधी पर किताब लिखी गई, उसके लेखक के बारे में पूछा गया, वो जयराम रमेश हैं, जयराम रमेश हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी
के ऊपर किताब लिखी दोस्तों, ठीक है। और अब ये पूछा गया कि लंदन किस नदी पर स्थित है, वो थेम्स नदी पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे प्रश्न जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और यदि अभी तक हमारे चैनल के साथ आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ उसे रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।